हेलो फ्रेंड्स, आज का मार्केट डाटा एनालिसिस कॉल के लिए क्या हो सकता है, यानी जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है उस डाटा को लेकर हम जो डाटा एनालिसिस करना है तो उसमें हमें देखना है कि मार्केट का सिचुएशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है और हमें कैसे मार्केट को देखना चाहिए। डे बेसिस का कैंडल है, मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हूँ, उसमें 20, 50, 100 एंड 200 फ्रीडम मूविंग एवरेज का लाइन, मैंने एवरेज लाइन ड्रॉ किया है तो मैंने इसको ऐड कर देता हूं। पहले मैं आपको मार्केट के बारे में डिटेल्स बता देता हूं कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, हमें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है उसको अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। तो देखिए मार्केट का सिचुएशन क्या है ना, मार्केट का पहला सिचुएशन है कि हमें डेरिवेटिव डाटा के साथ चलना चाहिए। डेरिवेटिव डाटा क्या बोल रहा है ना, डेरिवेटिव डाटा आपका जो सिचुएशन है, जो आपका डेरिवेटिव डाटा फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी 50 16, यानी जो कमिंग एक्सपायरी है उसमें जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है 19,300 के आसपास आपको पुट राइटिंग का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो चुका है, यानी 19,300 में पुट राइटिंग आपको दिखाई दे रहा है। और उसके साथ हम जब डाटा देखेंगे इसमें हर स्ट्राइक प्राइस पे 19,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो इसके साथ हम देखेंगे नीचे में आप जाएंगे तो 19,400 में पुट आपको पुट राइटर यानी आपको पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट दिखाई देगा, लगभग 7 लाख के करीब करीब आपको दिखाई देगा और उसके साथ 5 लाख के करीब करीब आपको कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जाएंगे पूरे के पूरे पुट राइटिंग आपको दिखाई देगा, यानी पुट आपको इस लेवल पर हैवी है। तो हम देखेंगे 19,400 आपको अच्छा लेवल आपको माना जाएगा और इस लेवल के नीचे में आता है 19,350, 19,300, ये लेवल पर आपको बेस है और इस लेवल पर बाइंग देखने के लिए मिलेगा जो आपको डेरिवेटिव डाटा आपको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, 19,500 आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही आपको शॉर्ट कवरिंग आपको रैली दिखाई देगा, ये जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको कैसे देखना चाहिए ना, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट आपको डे बेसिस में देखना चाहिए, करंट सिचुएशन में देखना चाहिए, लाइव मार्केट में इसको फॉलो करना चाहिए। मास्टर चार्ट में जब आपको इसमें कंप्लीटली ग्रीन कलर हो जाएगा उसमें आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। उसके साथ आपको देखना चाहिए जो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है जिस डाटा को आपको देखकर यानी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है और आपको पोजीशन बिल्टअप करने के लिए मौका मिलता है, उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए ना, आपको ये डाटा वंस स्टडी करना पड़ेगा, यानी ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन नैस्डैक एंड डाउ एंड डैक्स में क्या हो रहा है आपको देखना पड़ेगा, यानी उस टाइम पर लाइफ मार्केट में इस फ्यूचर में क्या हो रहा है। डाउ, नैस्डैक, डैक्स में ये तीनों इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए। उसके साथ आप आइए तो चार्ट पैटर्न में आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहले आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड लाइन क्या बोल रहा है। ये आपका हाई पॉइंट है और ये आपका बड़ी है, मैं हाई एंड लो पॉइंट को लेकर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूँ। तो देखिए हाई पॉइंट ये है और हाई पॉइंट के साथ मैंने बेस को लगाकर डाल रहा हूँ तो ये मेरा पॉइंट आपको एक क्रिएट हो रहा है यहाँ से, और इस पॉइंट को मैं लेकर ये पॉइंट मैं क्रिएट करूंगा तो ये पॉइंट मेरा क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है मैं पास में जाऊंगा तो यहाँ पर लाइन है और दूर को जाऊंगा, दूर से देखूंगा तो ये मेरा पॉइंट है। तो ये पॉइंट को मैं कैसे देखना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट है जिस पॉइंट को ब्रेक करना जरूरी है, तभी आपको क्या है ना मार्केट में इस पॉइंट तक मैक्सिमम आने का चांस दिखाई देगा। तो इसको मैंने येलो कलर कर देता हूँ, देखिए ये जो येलो कलर का लाइन है इस लाइन को ब्रेक करने के बाद ही देखा जाएगा। तो नीचे में एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये हाई लेवल क्रिएट होगा, यानी ये हाई लेवल आपका ब्रेक होगा तो इस लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, तो आपको ट्रेंड लाइन क्या बता रहा है ना, ट्रेंड लाइन बता रहा है या आपको अभी बेस है 19,323 आपको बेस कर मानकर चलना चाहिए। ये लेवल आपका ब्रेक होगा, इसके ऊपर कंटिन्यू हो रहा है तो ये लेवल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये आपको क्या है ना, ट्रेंड लाइन बता रहा है और ये लाइन ब्रेक होगा तो नीचे में आने का चांस ज्यादा है। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका एरिया है यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी कंसोलिडेट हो सकता है, अदरवाइज ये लेवल ब्रेक होगा तो अपसाइड में इस लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसको मैं आपको डायरेक्टली ये डाटा को मैं 15 मिनट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी 15 मिनट में कैसे आपको देखने के लिए इस डाटा को मैं बनाने के बाद देखने के लिए मिल रहा है। देखिए 15 मिनट में इस डाटा को आप देखेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं
तो नीचे में कहां पर है, 19,320 के आसपास सपोर्ट है, और इस लेवल को ब्रेक होगा तो ये लेवल आपको मैक्सिमम टारगेट देखने के लिए मिलेगा। ये लेवल आपको ब्रेक होगा तो बड़ा लेवल, ये लेवल के लिए हम तैयार हो सकते हैं, ये डाटा आपको दिखाई दे रहा है। इस डाटा को लेकर हमें कंफ्यूजन जहां पर होता है, ये एक बेसिक आइडिया है जहां पर हमें हमारा स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना चाहिए, मार्केट को ऐसे देखना चाहिए। तो ओके, तो आइए इस डाटा को मैं मूविंग एवरेज के साथ मिलाकर देखता हूं तो क्या डाटा हमें दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेज के साथ में जो डाटा देख रहा हूँ, ये डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मूविंग एवरेज डे बेसिस का डाटा के साथ क्या है, मैं डे बेसिस का मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, क्या है ना 20, 50, 100, 200, ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया हूँ। तो डे बेसिस में इस डाटा को देखिए, डे बेसिस में जो डाटा आप देखने के लिए मिल रहा है, इस डाटा को देखिए, ये आपको क्या है ना 50 पीरियड मूविंग एवरेज, जो येलो कलर का लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से येलो कलर है, ये आपका 50 पीरियड मूविंग एवरेज, इसके ऊपर आपको कंटिन्यू हो रहा है तो मान लेना चाहिए जो नेक्स्ट टारगेट है मैंने आपको बताया, वो टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है ये के लिए हमें तैयार होना चाहिए, ये जो लाइन है इसके लिए हमें तैयार हो जाएंगे इसके ऊपर, अदरवाइज आपको ये लेवल, पहला बात है कि कल हमें इस लेवल तक जाने के लिए मौका मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तो पहले ये जो 100 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये जो लाइन है, ये व्हाइट कलर का लाइन जो देख रहे हैं 100 पीरियड मूविंग एवरेज, तो 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आपको ये कंटिन्यू हो रहा है तो ये लेवल को ब्रेक करने का चांसेस ज्यादा है, अदरवाइज ये लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तो नीचे में सपोर्ट जो है 19,322, आप मूविंग एवरेज के साथ देखेंगे तो वही लेवल आएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसको लीजिए और देखिए ये जो है आपका सपोर्ट का लेवल काम करेगा। यहाँ से आपको क्या है ना, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट का लेवल काम करेगा, निफ्टी, ये निफ्टी का सपोर्ट का लेवल काम करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर जा रहा है, इस लेवल को ब्रेक हो रहा है, ये लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये लेवल आपको ब्रेक हो रहा है तो आपको क्या है ना, तीनों चार पॉइंट आपको मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा और ये जो पॉइंट आपको ले रहा हूँ, ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट के बाद ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी आपको चार पॉइंट के साथ आपको तैयार रहना चाहिए। ये मूविंग एवरेज के बेसिस में मैंने आपको बता रहा हूँ, तो ये है आपका जो मूविंग एवरेज के हिसाब से जो मार्केट का जो टारगेट है, इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, लेवल आपको पता चल जाएगा किस लेवल के साथ आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से एक लेवल मिल जाएगा जहां पर आप ट्रेड इंट्राडे में पोजीशन बिल्ट अप कर सकते हैं। तो यहां से आपको देखना चाहिए, ये आपका सपोर्ट पॉइंट है, इस लेवल ब्रेक हो रहा है तो ये टारगेट ब्रेक हो रहा है तो मैक्सिमम टारगेट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो डे बेसिस का टारगेट लीजिए और आप अपने हिसाब से पोजिशन बिल्टअप करने के लिए सोचिए, तो ये मैक्सिमम रेंज आपको हो सकता है निफ्टी में। तो आइए निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी को देखते हैं हम। बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है, अच्छा सिचुएशन हम मानकर चलेंगे, अच्छा कैंडल बनाया है, ये जो कैंडल बनाया है हैमर पिन पैटर्न बनाया है, तो हैमर पैटर्न बनाया है, थोड़ा सा पिन पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। इस डाटा को हम देखेंगे तो आपको क्या है ना, मूविंग एवरेज के साथ में आपको पहले दिखा देता हूँ। तो मूविंग एवरेज के साथ जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज डे बेसिस का है, ये रेड कलर का है, यहाँ से क्या होता है ना, आप देखिए इसमें आपको क्या है ना 100 पीरियड मूविंग एवरेज है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पर्पल कलर है 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये जो आपको है 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर आपको 100 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो पहला बात है 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज 43,411, इसको हमें सपोर्ट मानकर चलेंगे अभी के लिए। ऑफसेट के लिए ये लेवल आपको ब्रेक होता है 44,246, तो इसके बाद आपका टारगेट है 44,492, ये लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देखेंगे तो ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा, मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, वहां से फिर से करेक्शन आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि इसका जो डे बेसिस का जो चार्ट पैटर्न है वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमें मानकर चलेंगे 20 पीरियड मूविंग एवरेज को हमें मानकर चलेंगे कि ये अच्छा सपोर्ट है 43,392, और अपसाइड में ये जो डाटा हो रहा है, ये पहला जो टारगेट होगा 44,246, इसके ऊपर रहता है तो ये टारगेट होगा। ऑफसाइड के लिए अभी के लिए सोचेंगे नहीं जब तक 44,500 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तब तक के लिए हमें वेट करना चाहिए। तो उसके बाद हम आइए कि ट्रेंड लाइन के साथ हम ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या बता रहा है। ट्रेंड लाइन के साथ हम देखेंगे, यहां से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इसको मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, इस पॉइंट को मेजरमेंट कर रहा हूं, तो मुझे ये लाइन क्रिएट हो रहा है।
दूसरी पॉइंट क्या हो रहा है ना, ये पॉइंट को मैंने क्रिएट कर रहा हूं, यहां से भी एक पॉइंट मुझे निकल कर आ रहा है। तो अभी क्या है ना, ये पॉइंट के साथ में लगा रहा हूं, यहां से एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है, यहां से एक पॉइंट बन रहा है, ये एक पॉइंट है और दूसरी जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को हम देखकर काम करेंगे। देखिए ये दोनों पॉइंट है, यहां से आपको ये देखिए यहां से सपोर्ट ले रहा है, इस पॉइंट के कारण यहां पर सपोर्ट ले रहा है, टारगेट है, ये टारगेट है, मैंने जो आपको मूविंग एवरेज के साथ बताया, ये 44,500 का लाइन है, यहां तक तो मैक्सिमम आ सकता है, यहां से सपोर्ट यहां पर कंसोलिडेट हो सकता है और इसको हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अभी सपोर्ट पॉइंट हो जाएगा, और ये सपोर्ट यानी प्रीवियस डे का लो को हमें सपोर्ट मानकर चलेंगे। तो हमारा जो पॉइंट अभी दिखाई दे रहा है ये मार्केट में बैंक निफ्टी में ट्रेंड करने के लिए मौका देगा, यानी यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर टारगेट बनेगा, ऐसे आपको चलेगा। और इसको हमें जब ये लाइन को ब्रेक करेगा इसके ऊपर आपको क्लोज देगा, जैसे ये लाइन के ऊपर अभी क्लोज दे दिया है, दो कैंडल बनाया है, तो इसके ऊपर आपको जैसे कैंडल चलेगा, यानी ये पॉइंट को मैं ट्रेड लाइन के साथ इस पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ, यानी ये जो व्हाइट कलर लाइन क्रिएट कर देता हूँ, तो देखिए ये लाइन के ऊपर आपको दे रहा है तो और भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए भी हमें तैयार हो सकते हैं। इसके बाद यानी ये व्हाइट लाइन के ऊपर आपको क्लोज दे रहा है तो हमें अपसाइड के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। तो अभी क्या है ना, सिंपल स्ट्रेटेजी है, तो ये आपका बैंक निफ्टी का सिंपल है जिसको हमें लेकर पोजीशन बिल्टअप करने के लिए सोचना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन पॉजिटिव ट्रेंड लाइन के साथ हमें कैसे ड्रॉ करना है और कैसे सिचुएशन के साथ हैंडल करना है। ये बैंक निफ्टी था और निफ्टी था, आज का जो डेटल एनालिसिस कल के लिए है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, आपको अच्छी तरह से कैसे स्टडी करना है और देखना चाहिए मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के साथ जो पॉइंट आपको निकल कर आ रहा है उसके बारे में मैं आपको डाटा एनालिसिस किया और आपको बताया, और उसके साथ मैंने जो इसमें डेरिवेटिव डाटा फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में भी डिटेल्स बताया। तो आप इसको देखिए, अच्छी तरह से पोजीशन लेने के लिए सोचिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का डाटा को मैंने एनालिसिस किया। थैंक यू सो मच।